हेलो दोस्तों, दिस इज प्रज्ञा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंस्टेंट मिनी चोको केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको बनाने में ना ही आपको ओवन की जरूरत पड़ेगी, ना ही मैदा और ना ही एग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 4 डेरी मिल्क चॉकलेट बटर स्कॉच फ्लेवर की ली है। रैपर को हटाकर हम चॉकलेट को निकाल लेंगे। अब हम चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैंने यहाँ एक कुकर लिया है, इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे, गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम हाई रखेंगे। पानी बॉयल होने लगा है, अब हम इस पर एक छलनी रख देंगे और इसके ऊपर एक बोल। अब हम जो हमने चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस किए हैं, इसे हम बोल में डाल देंगे। चम्मच की हेल्प से हम चॉकलेट को प्रेस करेंगे, जिससे कि मेल्ट होने में आसानी हो। एक बार फिर से चम्मच से प्रेस करेंगे। एक टेबलस्पून मिल्क डाल देंगे और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। पानी के भाप से चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ ओरियो बिस्किट लिया है, अब हम रैपर को हटाकर सारे बिस्किट निकाल लेंगे। बिस्किट के अब हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। अब हम मिक्सर लेंगे और इसमें सारे बिस्किट को डाल देंगे। मिक्सर को चलाकर बिस्किट का एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। बिस्किट पाउडर को अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ आधा कप मिल्क लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। अब जो चॉकलेट है, इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब हम अप्पम पैन लेंगे, इसमें हम सारे मोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब हम आधा आधा चम्मच पेस्ट सारे मोल्ड में डाल देंगे। अब हमने जो चॉकलेट की लोइयां बनाई हैं, इसे हम सारे मोल्ड में डाल देंगे। अब हम फिर से आधा आधा चम्मच पेस्ट सारे मोल्ड में डाल देंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इसे कवर करके अब हम 9 से 10 मिनट तक पकने देंगे। 9 से 10 मिनट हो गए हैं, कवर को हटा लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रेडी है ये हमारा छोटू सा चोको केक। देखिए कितनी जल्दी बन जाता है। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।